तो दोस्तों देख लीजिए, काफी ठगने के फिराक में है, देख लीजिए। तो दोस्तों देखिए, ये हम डालते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी के मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों अभी रात्रि का लगभग 2 बजने वाला है और अभी हम आए हैं अपने गोपालगंज में अधिवक्ता नगर वार्ड नंबर 14। तो दोस्तों देखिए, ये गेट है और यहाँ पर देख लीजिए, इसमें एक बहुत बड़ा इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा फंस गया है और यहीं पर ये छिपा है दोस्तों। हालांकि गर्मी का मौसम है और इस गर्मी में जो भी रेप्टाइल्स है, खासतौर पर स्नेक है, वो अपने भोजन की तलाश में इंसानी बस्तियों की तरफ जाना पसंद करते हैं। इसका जो मेन फूड होता है वो चूहा होता है और चूहे की तलाश में हमारे घरों के अंदर या घरों के आसपास ही आते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, इसका रेस्क्यू करेंगे और आपको दिखाएंगे। इससे पहले बता दें, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं कि इस बेजुबान को बचाने के लिए हमें यहाँ पर बुलाया है। तो चलिए दोस्तों फटाफट के अंदाज में इस स्नेक का रेस्क्यू करते हैं और आपको दिखाते हैं। हेलो गाइस, हमारे 5 साल के बच्चे अभी तक जगे हुए हैं। आप लोग थोड़ा दूरी बना लीजिए। तो दोस्तों देख लीजिए, काफी मोटा तगड़ा स्नेक है, देख लीजिए कितना ये मोटा है और इसकी पूंछ आप देख लीजिए दोस्तों, कितना ये फूट हो गया है। तो दोस्तों इसकी गर्जन को सुनिए, कितना तेज ये गरज रहा है। तो चलिए इसको बाहर निकालते हैं। भाई चाय बोल रखी है, उसके बाद हम लोग ने तो फाइनली दोस्तों इस इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा का रेस्क्यू हो गया है। और दोस्तों देखिए कितना ये पुराना कोबरा सांप है। दोस्तों इसे हिंदी में नाग कोबरा और अपने बिहार में खासतौर पर इसे गेहुआ के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इसको इधर दोस्तों देखिए, ये भारतीय नाग है। दोस्तों इसके पास न्यूरोटॉक्सिन वेनम पाए जाते हैं और ये सब काट लेता है हमें, तो काटने के बाद से हमारे शरीर में जो लक्षण क्या उत्पन्न होते हैं वो आपको बता देते हैं। जैसे मैं अगर कोई भी जहरीला स्नेक काटता है, खास तौर पर अपने बिहार में कोबरा और करेत का ही सब दंश होता है, देखिए। तो दोस्तों इसके पास न्यूरोटॉक्सिन वेनम पाए जाते हैं। जब ये काटता है तो हमारे शरीर में सबसे पहले जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो इस प्रकार है। जैसे मैं जब ये काट लेगा तो सबसे पहले पेट में दर्द, उल्टी, नींद आना, गला सूखना और जहाँ पर ये काटता है उस स्थान पर सूजन होने लगता है। तो दोस्तों देखिए, ये बहुत एग्रेसिव कोबरा स्नेक है और ये भगने के फिराक में है, देख लीजिए। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों ये जब काट लेगा तो इसके काटने के बाद से कुछ होता नहीं है, सिर्फ मौत होती है अगर इलाज नहीं कराते हैं। तो दोस्तों अगर कोई भी जहरीला सांप काट ले या कोई भी स्नेक काटे तो डायरेक्ट आप जो जिले का अस्पताल होता है वहां पर जाइएगा। जिससे में अगर कोबरा काट लेता है तो इसके काटने के बाद से अगर आपको समय से एंटी वेनम मिल जाता है या एंटी सीरम तो आपकी प्राण, आपकी जान बच जाता है। लेकिन अगर इसके काटने के बाद से आप झाड़ फूक के चक्कर में पड़ते हैं तो आपकी जिंदगी झड़ा जाती है। तो दोस्तों इन सांपों से सतर्क रहें और बिना प्रशिक्षण के इन सांपों का हैंडल ना करें। ठीक है दोस्तों, ये भगने के फिराक में है। तो दोस्तों चलिए इसको हम डब्बे के अंदर पैक करेंगे और फिर इसको ले जाकर पुनर्वास यानी जंगल में रिलीज किया जाएगा। चलिए इंतजार की घड़ियां समाप्त होती है, इस डब्बे के अंदर इसको हम डालते हैं, पैक करते हैं और फिर इसको पुनर्वास जंगल ले जाते हैं। ढकन है, वाह।
तो दोस्तों इस डब्बे के अंदर पैक करते हैं। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी ऑक्सीजन के लिए बना दिया गया, इसे ऑक्सीजन मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इन बेजुबान जीवों को बचाते हुए आपसे किसी दूसरे वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।